नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। सरकार की द्वारा प्रयागराज में सड़कों का जाल लगातार बिछाया जा रहा है और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए आदेश पारित कर रही है। वही विकास खंड मऊआइमा के बांका जलालपुर में सड़क निर्माण के दौरान पुरानी नाली तोड़कर सड़क पर गिट्टी डालकर बनाया जा रहा था। बुधवार की सुबह सड़क के किनारे नाली का निर्माण न किए जाने से ग्रामीण विरोध जताते हुए सड़क पर धरने के लिए बैठ गए थे। की सूचना पर मैं फोर्स के साथ पहुंचे मऊआइमा इंस्पेक्टर संतोष कुमार दुबे ने धरने पर बैठे लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गए और पुनः सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई निस्तारण नहीं किया गया और जल निकासी की व्यवस्था न होने से हम सभी लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अव्यवस्था के कारण पानी सीधा सड़क पर जाएगा। वहीं पत्रकारों की टीम द्वारा जब सौरभ मिश्रा साइड इंचार्ज से बात की गई तो बताया गया कि लॉकडाउन के कारण नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ सड़क का निर्माण कराया जा रहा है क्योंकि ग्रामीणों का अतिक्रमण सड़क पर कायम है। और साइड इंचार्ज से जब पूछा गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग द्वारा नोटिस प्रदान की गई है तो बताया कि यह मेरा काम नहीं, विभाग नोटिस दे या ना दे, मुझे जितना आदेश है उतना करवा रहा हूँ। बांका जलालपुर में जो आप लोगों ने धरना के लिए बैठा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है आप सबको? यहाँ पर ठेकेदार ने जब से सड़क बनाना शुरू किया तब से इसने कहीं इधर कर दिया रोड, कहीं उधर कर दिया, लोगों का पैसा लेकर पब्लिक को आपस में लड़ा रहा है। यहाँ पर गांव में क्योंकि सड़क का नक्शा होता नहीं है, इसलिए जो भी इधर उधर काम होगा उसके बाद आपस में लड़ाई होगी। हम लोगों का मेन उद्देश्य सड़क का निर्माण और उसके साथ नाली निर्माण एक साथ हुआ है। ये नाली नहीं निर्माण करके सड़क का निर्माण कर चला जा रहा है। हमारा विरोध है कि नाली और सड़क एक साथ बनाने से सड़क डैमेज हो जाएगी और पब्लिक का पानी निकल नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या इसके पहले पुरानी नाली बनी हुई थी? इसके पहले भी नाली थी, सबका निकाल था पानी का, लेकिन सड़क चौड़ी हुई, सब बंद हो गई नाली। मतलब ठेकेदार ने नाली तोड़ करके नई नाली निर्माण करने के लिए कहा लेकिन बनवाया नहीं। साथ में ही इसके पूरा इसका प्रोसीजर है, सड़क के साथ ही नाली का पूरा बजट है, अधिक दूर नाली बना दी छोड़ दिया इसमें, इसलिए हम लोग इसे आज धरने पर बैठे क्योंकि आखिरी दम तक इसको कहा गया, हमने शिकायत दर्ज कर लेकिन आदमी सुना नहीं। आपने किस अधिकारी को शिकायत की? को हमने लिख कर दिया इसके खिलाफ। आपका नाम क्या है? मदनलाल गुप्ता। निवासी? खड़ा हो जाइए आप। निवासी और लोगों को बताइए। ठीक। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।